ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर टुडे, द फर्स्ट वन। एंड आपको ऑलरेडी पता है, पहला चैप्टर आपका है रोटेशनल डायनामिक्स। एंड इन दिस चैप्टर देर आर टू पार्ट्स। अगेन रोटेशनल डायनामिक्स मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू सी सर्कुलर मोशन फर्स्ट एंड देन विल गो टूवर्ड्स रोटेशनल मोशन। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, इन दिस पार्ट वी विल फर्स्ट रिवाइज बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से भी पहले वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ मोशन। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज एट रेस्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का जो भी इनिशियल पोजिशन होगा, दैट इनिशियल पोजिशन वी विल बी टेकिंग एज ओरिजिन। तो ऑब्जेक्ट इनिशियली जहां कहीं पे भी होगा, वी विल कंसिडर दैट एज ओरिजिन। तो मान लो दिस इज ओरिजिन जीरो। अब मोशन का मतलब क्या होता है? अगर विथ टाइम द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑल्सो वॉकिंग, तो विथ टाइम मेरा पोजिशन भी चेंज हो रहा है। तो वेन द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ अगर पोजिशन चेंज होगा, देन द पार्टिकल इज सेट टू बी इन मोशन। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पार्टिकल जहां से स्टार्ट करेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्यों? कहीं से तो मेजर करना पड़ेगा आपको। यू आर सपोज टू मेजर फ्रॉम समवेयर, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस सिटी से किसी और सिटी में जाते हो, राइट, तो एक मार्किंग होता है, 100 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? तो कहीं से तो मेजर करते हैं ना। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सिटी टू सिटी डिस्टेंस मेजर हम लोग जब करते हैं तो वी मेजर इट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। तो जब आप अपने सिटी में आ रहे होते हो तो वहां पे लिखा होता है कि ये सिटी 10 किलोमीटर दूर है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन इज 10 किलोमीटर कहाँ से? तो यू ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस इन केस ऑफ डे टू डे लाइफ, राइट? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज समवेयर, तो जहां पे भी वो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम बोल देंगे ओरिजिन। इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज ओरिजिन, राइट? तो जब ये पार्टिकल मूव होगा विथ टाइम, इसका मतलब इसका पोजिशन चेंज होगा, देन द पार्टिकल इज सेट टू बी इन मोशन। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि पार्टिकल का मोशन मतलब क्या। तो मोशन मतलब व्हेन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, द पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन। तो सबसे पहले यू शुड नो वेरी बेसिक्स ऑफ इट। When the position of a particle changes with time, it is said to be in motion. And of course, there are different types of motion. For example, linear motion. जब हम लोग चलते हैं, I am now walking. मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं, तो I am going along straight line. तो it is said to be linear motion, rectilinear motion, translation motion, motion along straight line. उसके बहुत सारे नाम हैं. But ऐसा भी तो हो सकता है that you have a particle which is moving along curved path. You have a particle which is moving along circle. तो इन दोनों cases को you call it as angular motion. So when a particle moves along circumference of circle, or when a particle moves along a curved path, then it is said to be performing angular motion, right? So types of motion आपको पहले पता होना चाहिए. We are going to go through basics. हम एकदम basics से जाएंगे. So you must know there are different types of motion. Types of motion.
उसमें पहला टाइप लीनियर, लीनियर मोशन में द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग बट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। दूसरा है एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन में द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग बट दिस टाइम पार्टिकल इज मूविंग अलोंग कर्व पाथ, हो सकता है सर्कुलर मोशन हो सकता है सिर्फ एक कर्व्ड कर्वेचर है, जैसे मैंने कल बताया था आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, आप गाड़ी चला रहे हो और सडनली एक टर्न आया तो यू आर ऑन द कर्व पाथ, तो ये दोनों टाइप है आपके एंगुलर मोशन के, गुड। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। देन एज आई टोल्ड यू, आपका अगर 11th का बेसिक्स नहीं भी है तो वी विल गो थ्रू बेसिक्स ऑफ 11th। तो जब जब मोशन की बात होगी, मतलब पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा, तो मैं दोनों ही केसेस दिखा देता हूं आपको। एक लीनियर मोशन है जिसमें पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव हो रहा है, एक एंगुलर मोशन है जैसे कि सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल अलोंग कर्व्ड पाथ मूव हो रहा है। दोनों ही केसेस में यू सी, अगर आपको याद होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हो सकता है ये पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, कहीं गया होगा, आई डोंट केयर, फिर वापस आके यहाँ पे सेटल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ वेक्टर, तो दैट इज व्हाई आपको वेक्टर भी पता होना चाहिए। तो जिनको नहीं पता डोंट वरी, इजी है। फिजिक्स में यू विल कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, एक है स्केलर एक है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए यू नीड ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू, आपको आपके घर से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, यू विल से 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, हाफ आवर, जो भी होगा, तो यू आर जस्ट टेलिंग मी अ नंबर। मिनट तो हो गया आपका यूनिट, यूनिट चाहिए ना, नहीं तो मैंने पूछा कि आपका वेट कितना है, 10, व्हाट 10, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोग्राम, तो एक नंबर के साथ यूनिट हमेशा होगा, यूनिट इज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, तो हम कौन से क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ये समझने के लिए आपको यूनिट असाइन करना पड़ता है उसके साथ। मास के लिए किलोग्राम यूज करते हो, टाइम के लिए सेकंड यूज करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो दिस इज समथिंग यू शुड नो। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है आपके पास, उस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए अगर आपको सिर्फ एक नंबर की जरूरत है, उसको आप बोलते हो स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए इफ यू नीड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि हमें यहाँ से, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हमें यहाँ से पुणे जाना है, राइट, तो यू विल से पुणे इज 350 किलोमीटर्स साउथ, बिकॉज यू हैव स्पेसिफाइड डिस्टेंस, मतलब नंबर 350 और डायरेक्शन साउथ, तो दिस बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम मोशन की बात करते हैं तो तीन क्वांटिटी आप बार बार सुनोगे, नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 वेलोसिटी, नंबर 3 एक्सेलरेशन, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट आप मेजर कैसे करते हो, जैसे मैंने आपको बताया, As I told you here, object है वो कहां से start हुआ था, this is important. Then finally कहां आके रुक गया, so displacement is a vector which is always measured from initial position to final position, right? तो ये आपके पास आ गया displacement vector, और vectors को आप denote करते हो by putting a bar, right? तो bar मतलब आप बता रहे हो कि ये quantity कौन सा है, vector quantity, good. Now सिमिलरली इन दिस केस, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, लेट अस से सर्कुलर मोशन है तो उस सर्कल का फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस होगा, जो भी पार्टिकल है आपके पास उसका कुछ इनिशियल पोजिशन होगा, तो यू विल हैव इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, लेट अस से ए। ओनली इन दिस केस पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो वो अपने पोजिशन से, ओरिजिनल पोजिशन से वो कहीं जाएगा, इट विल गो टू some other position, let's say final position which is at B. So in this case yahan pe bhi displacement hua, sirf yahan pe displacement hua along curve path,
तो हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करते हैं, दैट इज थीटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हो, यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हो। तो इन केस ऑफ लीनियर मोशन यू मेजर डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, क्यों, क्योंकि यू आर मेजरिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इन केस ऑफ एंगुलर मोशन यू मेजर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल, बिकॉज सेंटर से उस पार्टिकल का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, पार्टिकल कहीं पे भी हो, इफ इट इज एट ए और बी और सम अदर पॉइंट सी, पार्टिकल कहीं पे भी हो उसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम रहने वाला है। तो क्या चेंज हो रहा है, व्हाट इज चेंजिंग इज एंगल, राइट। तो बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, थोड़ा हम लीनियर मोशन को और एंगुलर मोशन को कंपेयर करेंगे। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता है, और याद रखना जब भी आप मोशन की बात करोगे, एज आई टोल्ड यू, यू विल ऑलवेज कीप हियरिंग थ्री डिफरेंट क्वांटिटीज। तो लेट अस कंपेयर लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। तो व्हेन यू टॉक अबाउट लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, सबसे पहला क्वांटिटी दैट यू विल टॉक अबाउट इज डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, उसको मेजर करते हैं मीटर्स, ऐसा यूनिट में हो तो मीटर्स, अगर आप सीजीएस में मेजर कर रहे हो तो सेंटीमीटर, राइट। अगर आप ब्रिटेन में हो, जो हम नहीं है बिकॉज पर हमारा कंट्री वंस अपॉन अ टाइम कॉलोनी था ना, ब्रिटिश कॉलोनी था ना हमारा, राइट। तो वहां पे दे मेजर ऑल्सो समटाइम्स इन माइल्स। तो डिस्टेंस इज नॉर्मली मेजर्ड इन मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, माइल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा यूनिट इज मीटर। यहाँ पे आप जब बात करोगे तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड एज यू नो, मैंने अभी भी बताया, मतलब यू विल मेजर एंगल, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन में बताऊंगा। और व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस, यूनिट डिग्रीज, रेडियंस। बेसिकली ऐसा यूनिट फॉर एंगुलर मेजरमेंट इज रेडियंस, राइट। एंड आई होप कि आपको पता है हाउ मच इज वन रेडियन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हाउ मच इज वन डिग्री। तो आप क्या करते हो, एक सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, यू डिवाइड द सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। तो हर एक पार्ट, फॉर एग्जांपल मैंने 360 पार्ट्स कर लिए, उसमें से ये एक पार्ट है, ये जो एक पार्ट है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे 1 डिग्री। तो पहले आप एक सर्कल लेते हो, उस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स करते हो, हर एक पार्ट ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, दैट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री, राइट। फिर आप उसको कन्वर्ट करते हो रेडियंस में, एंड यू शुड नो, अगर आपको डिग्री टू रेडियन जाना है, 1 रेडियन, 1 रेज टू c, मतलब 1 रेडियन इज पाई बाय 180 डिग्री। तो ये पता होना चाहिए कन्वर्जन फैक्टर, गुड। देन अगेन यू नीड टू रिलेट टू द मोशन, क्योंकि जब मोशन की बात करोगे, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, जब हम मोशन की बात करते हैं तो पार्टिकल एक जगह पे नहीं है, इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मूव हो रहा हूँ, आप भी जब घर से क्लास पे आने के लिए निकले थे, यू आर मूविंग। तो वेन यू आर मूविंग, ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि एक सेकेंड में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, हाउ मच डिस्टेंस अ बॉडी कवर्स इन 1 सेकेंड, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में 1 मीटर था क्या, 1 सेकेंड में 2 मीटर था क्या, 1 सेकेंड में 4 मीटर है क्या, इसको आप बोलते हो स्पीड। तो स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, राइट। अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की जगह पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, देन इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो जो दूसरा पैरामीटर है दैट इज वेलोसिटी, और आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं वी बार। बार मतलब अगेन यू आर स्पेसिफाइंग डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल दोज हु कम बाय 2 व्हीलर्स, आप गाड़ी चला रहे हो और सडनली आपका ध्यान गया मीटर पे, उसकी गाड़ी में मीटर होता है विच शोज यू योर स्पीड, राइट, 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो वहां पे उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, कभी हमने उसको वेलोसिटी मीटर नहीं बोला, क्यों, बिकॉज यू आर नॉट स्पेसिफाइंग डायरेक्शन, राइट। तो उस मीटर को यू विल कॉल एज स्पीडोमीटर बिकॉज इट इज गिविंग यू स्पीड। यहाँ पे वी आर स्पेसिफाइंग डायरेक्शन अलॉन्ग विथ
स्पीड, राइट। तो आपको पता होना चाहिए क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। विद रिस्पेक्ट टू क्या चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो dx बार बाय dt, राइट। dt बार नहीं, टाइम के ऊपर बार नहीं लगा सकते, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपने टाइम के ऊपर बार लगा दिया मतलब आपने टाइम को वेक्टर बना दिया, अगर आपने टाइम को वेक्टर बना दिया तो आप बैक इन टाइम जा सकते हो पास्ट में आपके सारे गलती करेक्ट करने के लिए, तो टाइम के ऊपर बार मत लगा देना। सो dx बार बाय dt, वेरी सिंपल थिंग। अब इसका यूनिट क्या आएगा, x वॉज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, वेरी सिंपल थिंग। देन सिमिलर क्वांटिटी इन एंगुलर मोशन इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा बार। तो जैसे यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ही यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। इन सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे हम बोलते हैं एक सेकेंड में कितना मीटर, यहाँ पे बोलते हैं एक सेकेंड में पार्टिकल ने कितना रेडियन कवर किया। तो अगेन अगर आपको यूनिट फाइंड करना है, थीटा किसमें था, रेडियन, तो ये क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हम डायरेक्शंस की भी बात करेंगे, पहले फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर कर लेते हैं, देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट डायरेक्शंस। गुड, ओके। देन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हियर इज एक्सेलरेशन। अगर आपको याद होगा, यू सी ऑलवेज कनेक्ट, सबसे पहले यू हैव अ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, चेंज ऑफ पोजिशन इज मोशन, एक सेकेंड में कितना पोजीशन चेंज हुआ, दैट इज वेलोसिटी। अब आपके गाड़ी पे एक एक्सीलरेटर होता है, वो क्या करता है, वो आपकी वेलोसिटी को चेंज करता है। तो एक सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। हो सकता है पहले आपका वेलोसिटी था 1 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में उसको बना दिया आपने 4 मीटर पर सेकेंड, या अगर आप रोडी हो, धूम टाइप, गाड़ी स्टार्ट करते से एक्सीलेटर एकदम ही घुमा दिया, राइट। तो योर स्पीड कैन गो, लिखा होता है ना गाड़ी जब खरीदने जाते हो आप, फिर आपको वो सेल्समैन बताता है इट कैन गो फ्रॉम 0 to 100 इन 3 seconds, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज, दैट इज एक्सेलरेशन। तो ए बार आप इसको लिखोगे डी वी बार बाय डी टी। अब वेरी ऑब्वियस, वेलोसिटी था मीटर पर सेकेंड में और टाइम है सेकेंड में, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड। तो इट विल बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम डायमेंशन भी वर्कआउट करेंगे, वी आर गोइंग टू वर्कआउट डायमेंशन एज वेल। यहाँ पे आप इन केस ऑफ एंगुलर मोशन यू विल बी टॉकिंग अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे यहाँ पे आपने ए से डिनोट किया, यू विल डिनोट इट बाय अल्फा, अल्फा बार। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ पे ये आएगा आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एज फार एज डायमेंशन आर कंसर्न, अभी जिनको डायमेंशन नहीं पता तो हम पहले डायमेंशन की बात कर लेंगे, तो डोंट वरी, अगर आपके 11th के बेसिक्स नहीं है तो वी विल डू इट हियर ओनली। यू सी, आपको पता होना चाहिए, व्हाट यू शुड नो इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर वेक्टर तो है ही, बट फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले ही पता होना चाहिए, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट एवर यू कैन मेजर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप टाइम मेजर कर सकते हो, यस। आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, यस। जो कुछ आप मेजर कर सकते हो दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के देयर आर टू टाइप्स, वन इज फंडामेंटल, अदर इज डिराइव्ड। तो जब आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। आपको फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करना, लेकिन इंस्ट्रूमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे टाइम मेजर करना है तो आई नीड अ क्लॉक, मुझे डिस्टेंस मेजर करना है तो आई नीड स्केल, राइट। वो इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका हेल्प लेना ही पड़ेगा,
बट फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टाइम मेजर करना है तो मुझे डिस्टेंस मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो टाइम मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है. तो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. थ्री प्रैक्टिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है विच इज लेंथ, मास एंड टाइम. लेंथ, मास एंड टाइम. ओके, देन वॉट यू शुड नो इज दीज आर थ्री प्रैक्टिकल क्वांटिटीज. वाई प्रैक्टिकल क्वांटिटीज? क्योंकि ये हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल थे. फॉर एग्जाम्पल आई नो SI यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, CGS में 3 होते हैं, SI में 7 है. वो क्यों 7 है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए 3 रिक्वायर्ड थे. वाई? फॉर एग्जाम्पल जब साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, वी वर स्टिल इन स्टोन एजेस. आज से हजारों साल पहले एक जगह से कहीं जाना है राइट, तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से वहां तक डिस्टेंस कितना है. डेफिनेटली तब मीटर किलोमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं था. पीपल यूज टू थिंक हाँ वो वहां पे पहाड़ दिख रहा है, वो बहुत दूर है राइट. तो आपको डिस्टेंस इज समथिंग हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था. क्यों? क्योंकि अगर मुझे जाना है कहीं पे और शाम में 4 बजे मैं निकल रहा हूँ और जाने के लिए मुझे 5 घंटे लगने वाले हैं, तो डेफिनेटली सनसेट हो जाएगा तो रात में इट इज रिस्की टू गो दैट टाइम. अभी तो वी ह्यूमंस हैव मल्टीप्लाइड आवरसेल्फ मेनी टाइम्स, अभी डर नहीं है, लेकिन तब इट वाज वेरी रिस्की. तो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था लेंथ. देन मास. मास क्यों जरूरी था? फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो जंगल से, किसी जानवर ने अटैक कर दिया, तो डेफिनेटली आप नीचे देखोगे क्या पड़ा है, एक पत्ता है और एक पत्थर है. क्या उठा के मारेंगे हम? ऑब्वियस हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल था, तो आपको बताना चाहिए मास एंड देन टाइम. ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि यू वांट टू नो कि यहां से वहां जाना तो कितना टाइम लगने वाला है राइट. यू शुड नो सुबह और दोपहर का डिफरेंस. तो टाइम वाज एसेंशियल. ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज वेर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. देन ऑब्वियसली जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ तो मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज वेर रिक्वायर्ड. तो SI सिस्टम में देर आर 7. लेंथ, मास, टाइम. इसको हम डिनोट करते हैं लेंथ को L से, मास को M से, टाइम को T से. लेंथ, मास, टाइम. इलेक्ट्रिक करंट देन समथिंग एल्स. ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर्ड इन कैंडेला. तो यू हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी which is measured in candela, CD, denoted by CD. Then temperature, of course temperature, Kelvin, measured in Kelvin, denoted by K. Some people use theta for this also. तो theta ये angle नहीं है, इस case में ये temperature है, हमारे case में वो angle है, तो ये ध्यान रखना. Then amount of substance, तो ये पता होना चाहिए. ओके, तो आई विल नॉट गो इन टू डिटेल्स. हमारा सिर्फ इंटेंशन ये है कि आपको डायमेंशंस क्या है पता होना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सारे क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसमें से लेंथ, मास एंड टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मुझे वेलोसिटी के डायमेंशन चाहिए, वेलोसिटी आपने डिफाइन कैसे किया? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस मतलब क्या है? लेंथ. लेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं? एल. टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टी. L1 अपॉन T1. तो ये क्या आएगा? L1 T-1. तो व्हेन यू टॉक अबाउट डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी L^1. डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी विल बी L1 T-1 एंड एक्सीलरेशन विल बी L1 T-2. वेरी गुड. T-2. अब इतना बेसिक्स में जाने की जरूरत क्या है? बिकॉज यू विल रियलाइज 2-3 चैप्टर के बाद यू विल नो कि हमको ये डायमेंशंस एग्जैक्टली पता होने चाहिए. बिकॉज इफ यू नो दिस तो देयर विल कम सम फिजिकल क्वांटिटी जो हम कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, लेकिन डायमेंशन उसके पता होंगे तो ही समझेगा वो कहां से आया. सिमिलरली यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसमें लेंथ की बात कर रहे हैं कि हम लोग नहीं, तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे? नथिंग.
dimensionless. So it is dimensionless, no dimensions. Angular displacement, angular velocity का dimensions क्या आएगा? Radian, radian मतलब angle. Angle के dimensions होते हैं क्या? नहीं. लेकिन time के yes. तो इसके dimensions क्या आएंगे? T raised to minus one. Similarly, angular acceleration के क्या आएंगे? T raised to minus two. Good. So once you know dimensions, you know physical quantity as well. तो अगर मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन टी रेस टू माइनस टू है, मतलब कौन सा क्वांटिटी है वो? एंगुलर एक्सेलरेशन. वेरी गुड. तो वंस यू नो दिस, नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो वन स्टेप अहेड. जब भी मोशन की बात होगी, मोशन में यू विल मेजर वेलोसिटी, यू विल मेजर डिस्टेंस, यू विल मेजर एक्सेलरेशन. तो अगर आपको काइनेमेटिक्स का इक्वेशन पता है, और आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज क्यों करना है. बेसिकली हम लोग फिजिक्स में करते क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए. इन फिजिक्स वी आर जस्ट लाइक बोलते हैं ना, जो भविष्य बताते हैं, जो पास्ट बताते हैं, हम लोग भी वैसे ही है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू वी हैड अ ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था. योर केस, क्लास छूटने के बाद आप गाड़ी पे बैठोगे, व्हाट इज योर वेलोसिटी? जीरो. फिर गाड़ी स्टार्ट करोगे, देन यू एक्सेलरेट. फॉर एग्जाम्पल योर एक्सेलरेशन इज लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैंने आपको पूछा कि 10 सेकंड बाद आपका वेलोसिटी कितना होगा. व्हाट वी विल डू इज वी इक्वल टू यू प्लस 80. गुड. इसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स. तो आपका इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम से बता पा रहे हो कि 10 सेकंड के बाद मेरा वेलोसिटी कितना होगा. 10 सेकंड के बाद मैं कहां पे हूं? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 square, right? So you must know equations of kinematics. Of course, it is essential because, as I told you, circular motion या angular motion भी motion है और linear motion भी motion ही है. तो जब motion है तो दोनों ही case में हमको equations लगने वाले हैं to tell कि after some time object का velocity क्या होगा, object का speed क्या होगा, object का distance क्या होगा, etc. etc. तो लेट अस टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इसमें भी हम कंपेयर ही करेंगे. वी विल बी कंपेयरिंग द केसेस ऑफ लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन. क्योंकि लीनियर मोशन में अभी अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन क्या होता है. एंड ऑल्सो इन केस ऑफ एंगुलर वी जस्ट सॉ what are these quantities. So let us compare linear with angular, right? ye karne ke baad I will come back here aur hum directions ki baat karne wale hain. But before I talk about direction, it is important for me to tell you equations of kinematics. To sabse pehla equation of kinematics, if you remember, v, where v is final velocity, velocity of the body after some time, after some instant of time, v equal to u, which is initial velocity plus 80. Similarly, यहाँ पे in this case initial velocity को हम denote कर सकते हैं या तो omega zero से, तो normally some books will use omega zero, or what you can say is हम इसको बोल सकते हैं omega i initial, और final velocity will be omega f. तो omega f is equal to omega i plus, सिर्फ v की जगह पे omega f, u की जगह पे omega i, a की जगह पे alpha and t की जगह पे t. तो ये आ गया आपका पहला equation of kinematics for angular motion, right? तो कोई change नहीं है, सिर्फ change क्या है, motion में change है. पहले object straight line के along move हो रहा था और अभी object circle के along move हो रहा है, that is only change. Then नंबर टू, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर. तो सिमिलरली यहां पे जो इक्वेशन आएगा, s के जगह पे s मतलब x. अब यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट किया, यू कैन ऑल्सो डिनोट इट बाय s. तो s मतलब x, लीनियर में, एंगुलर में क्या आएगा? थीटा. तो एंगुलर में आप लिखोगे थीटा. ut, u मतलब
ओमेगा इनिशियल और टी प्लस हाफ हाफ, ए के जगह पे क्या लिखोगे अल्फा और टी के जगह पे टी, सिंपल टी स्क्वायर, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव। नंबर थ्री, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और सिमिलर 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 यू विल हैव ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, राइट। चौथा भी है, पांचवा भी है, बट वी विल नॉट गो टू फिफ्थ वन, वी विल स्टे एट द लास्ट विच इज फोर्थ। एक्चुअली आपको पहले तीन ही लगने वाले हैं, फोर्थ भी नहीं लगेगा, बट यू शुड नो इफ यू रिमेम्बर। फॉर एग्जाम्पल अगेन, एक पार्टिकल है जिसने मोशन स्टार्ट किया, टोटल मोशन है 0 सेकंड से 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर टू। और मुझे ये पता करना है कि पार्टिकल ने 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पार्टिकल ने 8th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये जो इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन नंबर टू, दिस यू यूज जब आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना हो। लेकिन मुझे ये पता करना है हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन सेकंड, nth सेकंड, उसके लिए क्या फॉर्मूला था, एस एन इक्वल टू यू एन प्लस 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 समथिंग प्लस व्हाट, भूल गए, भूल के तो नहीं चलेगा, 2n-1 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू 2n-1, राइट। चेक कर लेना एक बार, यू शुड रिमेम्बर, क्योंकि मैंने बोला डायमेंशनली चेक करो तो इनकरेक्ट आएगा ये, क्यों, क्योंकि s क्या है डिस्टेंस, मतलब क्या है मीटर, u क्या है मीटर पर सेकेंड, ये क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ फिजिक्स में तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते ना, वी कैनॉट एड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो डायमेंशनली ये करेक्ट नहीं है, पर एक्चुअली करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, डू यू नो, मैंने अभी भी बताया इक्वेशन नंबर फोर कब यूज करोगे, जब आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन सेकेंड फाइंड करना होगा। गिवन सेकेंड मतलब टाइम की वैल्यू कितनी कर दी आपने, वन, टाइम की वैल्यू कितनी कर दी हमने, वन, तो टाइम की वैल्यू वन कर दी, तो यहाँ पे वन है और यहाँ पे भी वन का स्क्वायर है, तो यू शुड नो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट। तो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये भी आपको पता होना चाहिए, गुड। तो सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, इन दिस केस इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट वॉट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन सेकेंड, तो आप इसको लिख सकते हो थीटा एन इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, राइट, ओमेगा इनिशियल, इसको एन को हटा देते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लस ए के जगह पे अल्फा 2n-1, गुड। तो एटलीस्ट अब तक आप यू आर कंफर्टेबल विथ कंपेयरिंग लीनियर मोशन विथ एंगुलर मोशन, तो स्लोली स्लोली हम हायर लेवल पे जाएंगे। नाउ एज आई टोल्ड यू कि अब तक हमने डायरेक्शन की बात नहीं की, तो लेट अस टॉक अबाउट डायरेक्शंस आल्सो। नाउ डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपको पता है, मैंने आपको बताया ही था डायरेक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इफ यू रिमेम्बर आई जस्ट टोल्ड यू लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। अगेन फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, पहले यहां था फिर यहां पे पहुंच गया, राइट। अब ये अगर ओरिजिन है, ये उसका फाइनल पोजिशन है विच इज एक्स डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू फाइनल पोजिशन, इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, राइट, ये आ गया एक्स का बार। सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालते हो, तो दैट इज वाई अगेन बेसिक्स ऑफ 11th आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेकेंड चैप्टर था वेक्टर्स मैथमेटिकल मेथड्स बेसिकली वो इंपॉर्टेंट इसके लिए है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आपने वहां बोला था इफ आई एम राइटिंग ए बार इक्वल टू बी बार, इसका मतलब आप क्या बता रहे हो, इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है
और इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन भी सेम है। रियल लाइफ एग्जांपल, फिजिक्स फिजिक्स समझना है तो रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका केस है, कैसे? एग्जांपल, दो फ्रेंड साथ में आ रहे हैं गाड़ी पे, दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया है, दोनों एक जगह से स्टार्ट करके एक जगह पे जाके रुक रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मे बी फ्रॉम हियर आफ्टर दिस क्लास यू विल स्टार्ट, और यहाँ से आप जाओगे आपके नेक्स्ट क्लास पे या फिर कॉलेज में। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? इस क्लास से, करेक्ट? राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में जाओगे, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करोगे, लेकिन अलग अलग गाड़ी पे जाओगे। मतलब व्हाट यू आर डूइंग इज दिस। तो अगर पहले का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बार है और दूसरे का बी बार है, तो ए बार इक्वल टू बी बार। तो जब आप लिखते हो ए बार इक्वल टू बी बार, इसका मतलब यू आर सेइंग कि ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर आप इसको ऐसा लिखते हो, इसका मतलब डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला पर्सन था उसका कॉलेज थोड़ा पास में, जो दूसरा है उसका थोड़ा दूर है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, राइट? गुड। देन अगर आप इसको ऐसा लिखते हो ए बार इक्वल टू माइनस बी बार, मतलब आप ये बता रहे हो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सब पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जब निकाल रहे हो तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हो आप? dx बार बाय dt। माइनस लिखते हैं क्या हम लोग? नहीं। इसका मतलब जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा लीनियर मोशन में। गुड। एंड पहले इसकी बात कर लेंगे फिर हम एक्सेलरेशन पे जाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक केस है, विल सी दैट लेटर। अब जब एंगुलर मोशन की बात करोगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पार्टिकल है जो इस सर्कल के ऊपर मूव हो रहा है। वी हैव एन ऑब्जेक्ट, अ पार्टिकल, अ बॉडी व्हिच इज मूविंग अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब ऐसा है, अगर यह पार्टिकल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यू नो देयर आर टू डायरेक्शंस, टू सेंस ऑफ डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है या फिर क्लॉकवाइज में जा रहा है और आपको देना है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल है। एंगल मेड बाय, किसने बनाया एंगल? पार्टिकल ने। कहां पे बनाया? एट द सेंटर ऑफ सर्कल, राइट? तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका आपको डायरेक्शन चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। Do you know what is axis of rotation? A line passing through center, right? Perpendicular to plane is called as axis of rotation. ये आ गया आपका axis of rotation. Now, if you want to find out direction of angular displacement, तो इसके लिए एक rule है, इसको बोलते हैं right hand rule. तो according to right hand rule, आपको करना क्या होता है? आपका जो axis of rotation है, उसको आपके right hand में रखना. Curl the fingers around and stretch the thumb. तो अगर ये जो curled fingers है, if they give you direction of motion, then the thumb gives you direction of angular displacement, right? तो अगर आपको angular displacement का direction find करना है, तो क्या करोगे? आपका right hand लोगे, right? Then axis of rotation के along क्या होगा? Thumb होगा, और फिंगर्स को क्या करोगे? कर्ल करोगे। कर्ल्ड फिंगर्स गिव डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड थंब गिव डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये याद रखना, इसका मतलब अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, तो थंब कहां पर जा रहा है? ऊपर, राइट? तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अपवर्ड्स। गुड। सिमिलरली अगर मैं इसका उल्टा केस लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अदर वे राउंड, अगर मैंने मोशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दिया, तो इफ आई टेक डायरेक्शन ऑफ मोशन क्लॉकवाइज, गुड, तो क्लॉकवाइज करना मतलब मुझे इस राइट हैंड को उल्टा दिखाना पड़ेगा,
क्योंकि मोशन है क्लॉकवाइज, थंब कहां पे पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड्स, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, तो आ गया डाउनवर्ड्स, गुड, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड्स, क्लियर यहां तक, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे क्योंकि ये डायरेक्शन आपको आगे जाके बहुत काम में आएगा, तो यू शुड नो। तो राइट हैंड रूल याद रखो, राइट हैंड रूल इज यूज टू गिव यू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी अभी आपको बताया जो डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का वही होता है वेलोसिटी का, तो वेरी ऑब्वियस जो डायरेक्शन थीटा का है वो डायरेक्शन किसका आएगा, ओमेगा का, और यहां पे भी क्या आएगा, ओमेगा, गुड, सिंपल 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 है ना, राइट, गुड। देन चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स 11th स्टैंडर्ड, यू मस्ट रिमेम्बर 10th स्टैंडर्ड तक आप सिर्फ एंगल की बात करते हो, 11th में आते ही मैथ्स के पहले चैप्टर में ही यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डायरेक्टेड एंगल्स, मतलब एंगल का भी डायरेक्शन। और अगर आपको याद होगा, अगर आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव। तो वेरी सिंपल, अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आएगा, इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको लेंगे हम लोग नेगेटिव, सिंपल सिंपल, गुड। अब आपको एक बार ही समझ में आ गया, अब रह गया आखिरी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अब प्रॉब्लम क्या है विद एक्सेलरेशन, पहले वो समझ लेते हैं। यू सी, एक्सेलरेशन का इशू ये है, अगर आपको इक्वेशन याद है तो यू राइट इट डाउन लाइक डीवी बार बाय डीटी, या अगर आप वेक्टर टर्म में नहीं भी लिख रहे हो, अगर आप इसको स्केलर टर्म्स में लिख रहे हो तो भी इवन इन दैट केस यू शुड नो डीवी, डीवी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम तो टाइम है, राइट, सिर्फ डीवी को क्या लिखा मैंने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। नाउ इमेजिन, इमेजिन आपने मोशन स्टार्ट किया, तो ऑफकोर्स आपका वेलोसिटी इनिशियल था जीरो, आफ्टर सम टाइम आपका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी फॉर एग्जाम्पल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड यू इज जीरो, तो न्यूमरेटर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हो, तो ए क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि टाइम तो पॉजिटिव ही होगा, मैंने पहले बता दिया टाइम नेगेटिव नहीं होता है, यू कैन नेवर राइट टाइम इज माइनस 10 सेकेंड्स, हो ही नहीं सकता, राइट, क्लियर, नहीं तो अगर मैं बोलूंगा टाइम इज माइनस हाफ आवर तो माइनस वन आवर माइनस वन एंड हाफ आवर, तो फिर अभी भी आप सो रहे होते घर पे, इधर भी सो रहे हो कुछ लोग, वो अलग बात है, जागो जागो, गुड, राइट। तो यू सी, उल्टा केस सोचो, यहां से गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा आगे गए, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इसलिए तो बोलते हो एक्सेलरेटर, राइट। इमेजिन आपको जहां जाना था, आपको वो बिल्डिंग दिख रही है, व्हाट यू डू इज यू अप्लाई ब्रेक। अब उस इंस्टेंट से सोचोगे तो उस केस में आपका इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड केस में आपका इनिशियल वेलोसिटी है 10, और आपको जहां पहुंचना है वहां पे जाके तो रुकना पड़ेगा, तो फाइनल कितना है, जीरो। तो इस केस में वी क्या है, जीरो, यू क्या है, 10, तो ए ऊपर न्यूमरेटर क्या आएगा, नेगेटिव, तो ए क्या आएगा, नेगेटिव, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, गुड। तो प्रॉब्लम यह है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का वो डायरेक्शन वेलोसिटी का, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड करेगा वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी पे। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब पार्टिकल का स्पीड बढ़ते जा रहा है। अगर फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू इनिशियल से कम है, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, मतलब पार्टिकल का स्पीड कम होते जा रहा है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर डायरेक्शन, एक तो जैसे मैंने बताया, इन दिस केस ए इज पॉजिटिव इफ इफ बी इज ग्रेटर देन यू, ए इज नेगेटिव इफ बी इज लेस देन यू। यहां पे भी लिख सकते हो, यहां पे भी सेम केस आप बोल सकते हो, तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको यहां से हटा देता हूं, बिकॉज आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो आप बोल सकते हो अल्फा इज पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे ए तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये कौन सा मोशन है, एंगुलर, तो अल्फा इज पॉजिटिव इफ
इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल, मतलब ऊपर का ही डायरेक्शन होगा इसका, अल्फा पॉजिटिव, पॉजिटिव मैंने ऑलरेडी बता दिया, पॉजिटिव मतलब ऊपर लिखा है ना, थीटा पॉजिटिव, तो थीटा का डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन इज ऑल सेम, राइट। ये कब होगा, व्हेन द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, मतलब व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग विद टाइम, स्पीड बढ़ते ही जा रहा है। एग्जाम्पल, फैन का बटन चालू करोगे तो यही होगा, जब बटन चालू करोगे तो क्या हो रहा है, स्पीड फैन का धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, राइट। बट जब फैन का बटन बंद करोगे तो क्या होगा, स्पीड कम होता जाएगा। इसका मतलब इन दैट केस अल्फा बिकम्स नेगेटिव, तो अल्फा इज नेगेटिव इफ इफ ओमेगा फाइनल इज लेस देन ओमेगा इनिशियल। गुड, यहां तक क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है तो वी कैन गो अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अब यू ऑलरेडी नो डिफरेंट पैरामीटर्स इन लीनियर मोशन एंड इन एंगुलर मोशन। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर पैरामीटर एंड एंगुलर पैरामीटर। मतलब लीनियर मोशन में अगर आप वी बोलते हो और एंगुलर में ओमेगा बोलते हो तो उसका रिलेशन क्या है, वी और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है बेसिकली। सिमिलरली व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एक्स एंड थीटा, सिमिलरली व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए एंड अल्फा। तो यू शुड नो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। ओके, तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स, लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स, बहुत सिंपल है ये भी, इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो नंबर वन, डिस्प्लेसमेंट, एज आई टोल्ड यू लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप या तो एक्स से डिनोट करोगे या फिर एस से। तो गोइंग बैक टू स्कूल लेवल मैथ्स, थोड़ा सा स्कूल लेवल का मैथ्स वापस देख लेते हैं। इफ यू रिमेम्बर, अगर आपके पास ऐसा कुछ है, दिस इज आर्क लेंथ एस, और एंगल मैंने बहुत छोटा लिया सो दैट ये आर्क लेंथ कैन बी टेकन टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये है आर, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड आर, एस इक्वल टू आर थीटा। एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ऑलरेडी पता है कि एस इक्वल टू आर थीटा होता है। गुड, नंबर टू, 11th स्टैंडर्ड में आपने सर्कुलर मोशन के केस में ऑलरेडी ये बता दिया था, यू हैव ऑलरेडी सेड दिस, वी इक्वल टू आर ओमेगा, और आप उसमें ये भी बोल रहे थे कि अगर मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो इन दैट केस लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टेंजेंट। तो अगर याद नहीं होगा तो याद कर लेंगे वापस से, नो इश्यूज, विल गो बैक टू दिस डायग्राम। तो जब आपके पास पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा टेंजेंट, इट इज ऑलवेज ऑलवेज टेंजेंट, राइट। यह है आर, यह है वी बार, और ओमेगा इज परपेंडिकुलर, तो वी और ओमेगा डायरेक्शन पता होना चाहिए आपको। तो यू कैन राइट डाउन हियर वी इक्वल टू आर ओमेगा, इसका वेक्टर फॉर्म भी है बाय द वे, वी विल सी दैट लेटर। नंबर थ्री, ये भी 11th में हुआ है, ए और अल्फा का रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा, इक्वल टू आर अल्फा। नहीं याद हो तो डजंट मैटर, डायमेंशनल एनालिसिस याद है आपको, सुना है वर्ड डायमेंशनल एनालिसिस, सुना है, गुड। तो अगर सुना है तो आपको पता होना चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी के डायमेंशन आएंगे वही राइट हैंड साइड पे आएंगे, या फिर ऐसा यूनिट सेम आएंगे। ए क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा क्या था, वन अपॉन सेकेंड स्क्वायर, आर क्या है, मीटर डिस्टेंस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट ना, तो करेक्ट है इक्वेशन। तो अगर आप इक्वेशन भूल भी गए तो डजंट मैटर, दिस इज हाउ यू कैन चेक, इसको भी चेक कर सकते हो, वी इक्वल टू आर ओमेगा, व्हाट इज वी, मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज ओमेगा, वन अपॉन सेकेंड, आर क्या है, मीटर, ये भी सही है, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा, दिस इज ऑल करेक्ट।
क्लियर है यहाँ तक? इज दिस क्लियर? तो सो फार आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या किया, वी स्टार्टेड ऑफ विथ फर्स्ट चैप्टर टुडे रोटेशनल डायनामिक्स. उसके दो पार्ट्स है, पार्ट वन इज सर्कुलर मोशन एंड पार्ट टू इज रोटेशनल डायनामिक्स. रोटेशनल मोशन मतलब, तो रोटेशनल मोशन मैंने कल ही बताया था, रोटेशनल मोशन मतलब एक साथ बहुत सारे पार्टिकल क्या परफॉर्म करते हैं, सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको डोर का, बहुत अगर आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है, तो ये डोर ले लो, उस पर बहुत सारे पॉइंट्स को मार्क कर दो और उसको रोटेट करो. तो जब डोर रोटेट होगा तो सारे पार्टिकल क्या परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन. तो कलेक्टिव एक साथ बहुत सारे पार्टिकल का सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन सीखना है तो पहले क्या पता होना चाहिए, सर्कुलर मोशन पता होना चाहिए. वेरी सिंपल थिंग, गुड. तो यू शुड नो सबसे पहले व्हाट इज मोशन. तो वी हैव रिवाइज्ड व्हाट इज मोशन. वी नो व्हाट आर टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर एंड एंगुलर. देन लीनियर मोशन के जो काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हमने इसको एंगुलर पैरामीटर्स के साथ कंपेयर कर लिया. एंड देन वी हैव बेसिकली वेंट थ्रू इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, राइट. उसके बाद व्हाट वी हैव डन इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स. अगर आपको इतना पता है तो नाउ वी कैन गो अहेड विद यू नो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन. आपने एक टाइप ऑलरेडी सीखा है जिसको आपने कहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन नाउ. तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन. टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बहुत सिंपल है, अगेन फिजिक्स में बार बार बोलता हूँ, वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड इट इज द वे यू थिंक अबाउट इट. यूनिफॉर्म, अब बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ पे ब्लू कलर के शर्ट में दिख रहे हैं ना, ब्लू शर्ट, तो क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म. वैसे यूनिफॉर्म इसका नाम नहीं है, इसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म ड्रेस कोड. मतलब इफ यू गो टू कॉलेज ऑल ऑफ यू शुड लुक द सेम. उसको इसलिए बोलते हैं यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, सेम एवरीवेयर, राइट. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब भी वही है, सेम एवरीवेयर. क्या सेम, स्पीड सेम. तो अगर आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, मेरे पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर. तो वी हैव अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन कहाँ पे, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जिसका रेडियस क्या है, विथ रेडियस आर. अगर इन दिस केस इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन पार्टिकल कहीं पे भी हो, चाहे वो ए पे हो, चाहे वो बी पोजीशन पे हो, चाहे वो किसी और पोजीशन पे हो, अगर हर एक पोजीशन पे उसका स्पीड, रिमेंबर दिस वर्ड, मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, उसका स्पीड. वेलोसिटी क्यों नहीं बोला, मैंने अभी बताया. वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंट एट एवरी पॉइंट. इसका मतलब ए पॉइंट पे अगर पार्टिकल है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है अलोंग टेंजेंट, बी पॉइंट पे अलोंग टेंजेंट. मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज क्या नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, राइट. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप क्या बोलोगे, सिंपल, इफ अ पार्टिकल परफॉर्म्स मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड. कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, कहीं पे भी है पार्टिकल तो उसका स्पीड सेम है. सच अ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो व्हाट बिग डील, इसको सिर्फ लिखना है इंग्लिश में. सो इफ अ पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन या फिर परफॉर्म्स मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मैं वापस लिख देता हूं, सॉरी फॉर माई पुअर हैंड राइटिंग, आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन दिस न्यू बोर्ड. सो इफ अ पार्टिकल परफॉर्म्स मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल
along the circumference of circle. Of circle with constant speed, with constant speed, velocity मत बोलना यहाँ पे, it should be always speed, with constant speed, then the motion is said to be uniform circular motion. Motion is said to be UCM, uniform circular motion, right? Even though speed is same, speed भले ही सेम है लेकिन वेलोसिटी इज नॉट सेम, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है. डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है. दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू ऑलवेज, वेक्टर्स को अच्छे से समझ लो. वेक्टर्स के पास दो चीजें है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. दोनों में से एक भी चेंज हुआ या दोनों चेंज हुए मतलब क्वांटिटी चेंज होगा. तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन. जब जब डायरेक्शन चेंज होगा तब तब वेलोसिटी चेंज होगा. वेलोसिटी चेंज होगा मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, भूल गए, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होता तो क्या होता है, एक्सेलरेशन, राइट. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इवन दो स्पीड वॉज सेम, स्पीड सेम था लेकिन फिर भी देयर इज एक्सेलरेशन. तो इफ यू हैव अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, फिर भी वहां पे एक्सेलरेशन है. और आपको याद होगा द एक्सेलरेशन वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, राइट. इसको आपने बोला था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट, या फिर इसको आप और एक चीज भी बोलते हो रेडियल, क्योंकि ये कहां पे है, टुवर्ड्स द रेडियस बट सेंटर, सेंटर की तरफ है, गुड. तो इन दिस केस यू शुड नो बट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, along the tangent, hence there is acceleration, hence there is acceleration, और इस acceleration को हमने नाम दिया था centripetal. This acceleration is called as centripetal, this acceleration is called as centripetal or radial. सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल मतलब टूवर्ड सेंटर, सेंट्री मतलब सेंट्रल, फ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर. तो ये वर्ड याद कर लो, सेंट्री मतलब टूवर्ड सेंटर, पिटल सेंट्री सेंटर, पिटल इज टूवर्ड्स. तो सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन. और आपको ऑलरेडी याद होगा कि मैग्नीट्यूड वाइज हमने ये 11th में ही किया था, वी स्क्वायर बाय आर, या फिर इसको आप लिखते हो आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसको आप लिखते हो वी ओमेगा. ये सब 11th का बेसिक से आ रहा है. बट दिस इज मैग्नीट्यूड, हमको बात करनी है डायरेक्शन की. और अगर आपको याद है रेडियस वेक्टर, मैं अभी रेडियस को वेक्टर बना रहा हूँ, रेडियस वेक्टर इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, मतलब रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन आर कैप. डू यू नो व्हाट इज कैप, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर आर यूज्ड ओनली टू स्पेसिफाई डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल मुझे बताना है कि एक पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है तो मैं बोलूंगा आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है तो जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस जा रहा है तो के कैप. तो कैप मतलब ओनली टू टेल यू डायरेक्शन. तो आर कैप मतलब रेडियस वेक्टर है, कहां से स्टार्ट हुआ, सेंटर से, कहां जा रहा है, सर्कमफेरेंस, गुड. लेकिन हमारा जो एक्सेलरेशन था वो कहाँ पे है, अंदर की तरफ, मतलब आर कैप को कहाँ, अपोजिट. और अपोजिट वेक्टर कैसे दिखाते हो, विद अ माइनस साइन. तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस लिखोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, आर कैप लिखोगे, और इसको बना दोगे वेक्टर. यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे तो हो गया. दिस इज वॉट यू नो, दिस इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन.
गुड. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड. मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको भूलना नहीं, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड. देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज सेम बट वेलोसिटी इज नॉट सेम बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंट. एंड आपको उसका इक्वेशन पता ही था, वी स्क्वायर बाय आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी ओमेगा. सिर्फ आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया माइनस आर कैप. गुड. तो नॉन यूसीएम वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास.